देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर भीगा हुआ चावल लिए हैं, 1 टेबलस्पून घी लिए हैं, 1 टेबलस्पून शुगर लिए हैं, 2 केला लिए हैं। हम बहुत गाय ढूंढे, एक भी गाय नहीं मिला हमें, एक बैल मिल गया है। अब इसी को हम खाना खिलाएंगे। आप लोगों को पता होगा लॉकडाउन के वजह से हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, मंदिर भी बंद है, तो इसलिए हम गाय माता को या बैल को खाना खिला रहे हैं ताकि वो संतुष्ट होंगे, तो भगवान संतुष्ट होंगे तो पूर्व पुरुष जो मर गए हैं उन लोगों के आत्मा भी संतुष्ट होंगे। इसीलिए हम गौ माता को या बैल को खाना खिला रहे हैं। गौ माता तो नहीं मिले हमें, बैल मिल गया, अब बैल को खाना खिला रहे हैं। गौ माता अब संतुष्ट है, उनके स्वभाव से लग रहा वो शांति से खा रहे, मतलब उनका आत्मा संतुष्ट है। ये आप लोग देख रहे थे दिवाली का पहला दिन, जो पिंड दान करते हैं उसी का। हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आज है दिवाली, दिवाली के पूजा आज हम बनाएंगे इवनिंग में। ये हमने कुछ मोदक बनाए हैं और 1 टेबल स्पून शुगर लिए हैं और 2 केला लिए हैं और मिल्क थोड़ा लिए हैं। अब इसी में हम पूजा करेंगे। अब ये वॉक के लिए हम ले आए, ये पानी रहा और कुछ सामान आप देख रहे हैं, एक शुगर केन और कुछ फूल और कुछ रॉ राइस है। अब सबको मिलाकर हम यहाँ पर पूजा करेंगे। जो सबसे बड़े होते हैं वही भोग लगाते हैं, जो बड़े होते हैं बड़े उसको पूजा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसी तरह पूजा करते हैं दिवाली के दिन इवनिंग को पूजा करते हैं। और जो लोग मर गए हैं, वो चले गए, दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, उन लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, वो उनका आत्मा को शांति मिले, इसलिए ऐसा पूजा होता है हमारे उड़ीसा में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा वीडियो थोड़ा ऊपर नीचे हो चुका है, आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। भोग लगाते समय दिया बुझ गया, इसलिए हम थोड़ा दिए लगा रहे हैं, अब इसके लिए पूजा करेंगे। देखिए ये सब स्टिक मिलता है, इसको बोलते हैं कांवरिया। मैं आपको ये सब के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसी को जला के जितने आदमी होंगे उसी के हिस्से में हम डिवाइड कर लेंगे। हाँ, अभी हम यहाँ पर 3 आदमी हैं, अब 3 हिस्से में हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करके प्रेयर करेंगे पूर्व पुरुष लोगों के लिए। इसी तरह सब एट ए टाइम एक ही नाम लेंगे, ऊपर लेंगे थोड़ा और थोड़ा नीचे लाएंगे और सबको बुलाएंगे। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि एक नाम है गोपाल, गोपाल अंधेरे में आओ, अंधेरे में जाओ, 22 पहाड़ में गड़गड़ाओ। इसका मतलब अंधेरे में आओ, अंधेरे में जाओ, जगन्नाथ मंदिर में जो 22 स्टेप्स है उसी में आप सोते हुए ऊपर से नीचे आओगे तो जितने सारे पाप किए होंगे पुण्य कमा लोगे। इसी का नाम यहाँ पर लिया गया है, अंधेरे में आओ, अंधेरे में जाओ, 22 पहाड़ में गड़गड़ाओ, सब पाप यहाँ पे धुल जाएगा 22 पहाड़ में ऊपर से नीचे आओगे तो। ऐसे सेलिब्रेशन होता है दिवाली उड़ीसा में इवनिंग में ट्रेडिशनली। आप लोगों को कुछ लोगों को पता होगा या नहीं मैं बता नहीं सकती, लेकिन कुछ एरिया में ऐसे होता है, अभी भी चल रहा है। अपने वो जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर उन लोगों का ऐसे याद करते हैं दीपावली में सभी लोग। हम भी इसी तरह हमारे सैनिक लोग जो हमारे देश के लिए जान दे के चले गए उन लोगों के लिए हम भी दुआ करते हैं इसी दिन। सबके लिए हम दुआ करने के बाद सब यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं अपना अपना कांवड़िया। देखिए दोस्तों, हमारा ख़त्म हुआ पूजा। अब इसमें से कुछ लेके किचन में रखोगे तो घर के लिए शुभ माना जाता है। मदर की फादर, फादर की फादर, ऐसे पूर्व पुरुष को याद करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। ये करने के बाद हम इसी को जला के थोड़ा सिगरेट की तरह धुआं लेंगे और निकालेंगे। पूर्व पुरुष जैसे बोलते हैं कि ऐसे धुआं लेने से जो ब्लाइंडनेस होता है लोगों को, आजकल ये ब्लाइंडनेस नहीं होगा, इसलिए ये वो पुराने ज़माने में वो लोग स्टार्ट किए थे, हम अभी भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। आज हमारा सिगरेट सेलिब्रेशन होता है। थैंक यू दोस्तों।